हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या। मैं अपने यूट्यूब चैनल सांझ किचन में आपके सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी लगी, ताकि न्यू वीडियोस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपके लिए लाती रहूं। चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसे बोलते हैं इंदौरी पोहा। ये बहुत ही फेमस और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो इसकी सामग्री इस प्रकार है। हमने एक बाउल पोहा लिया है। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है। ये आलू भुजिया नमकीन है, हरा धनिया, आधा नींबू और थोड़ा सा हमने कच्ची मूंगफली, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो चलिए अब हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्राई पैन में मैंने अपना एक चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये बहुत ही हेल्दी फास्ट ब्रेकफास्ट है और फेमस है इंदौरी पोहा। तो आप एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अभी गर्म हो गया है, तो मैं अपनी एक चम्मच राई डालूँगी, फिर अपना कड़ी पत्ता। तो फ्रेंड्स, हम इसमें अपना प्याज डालेंगे। हमने इनको बारीक काट लिया है लंबा। अब थोड़ा सा हम इन्हें भून लेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है तो निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। और उसके बाद हम डालेंगे अपनी मूंगफली। मूंगफली को भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा सॉटे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली भी भून गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पोहे को धो लिया। इसको ज़्यादा देर हमें सोक करके नहीं रखना है, मतलब पानी में भिगो के नहीं छोड़ना है या मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रखना है। बस धो के हमने इसको फिर फटाफट पानी से निकाल लिया है। तो चलिए अपना पोहा हम इसमें डालते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हल्दी डालते हैं और नमक टेस्ट के अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सब मिक्स हो जाए एक दूसरे में। देखिए फ्रेंड्स, हम ये सारी चीज मसाले पोहा सब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाता है। 5 मिनट में बन गया है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है, हेल्दी फूड है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, पोहा बनके हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब इसको हम गार्निशिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको नींबू, हरी मिर्च और भुजिया नमकीन से और हरी धनिया से इसको गार्निश किया है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। देखिए एकदम चिपका नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बना है। तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।